हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 6 महीने से सिवरेज का पानी पीने को मजबूर जोधपुर वासी, सिवरेज और पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन हुई मिक्स, नहीं हो रही सुनवाई। मुख्यमंत्री के गृहनगर जोधपुर का एक इलाका ऐसा भी है जहां पिछले करीब 6 महीने से वहां रहने वाले लोग सिवरेज का गंदा पानी उपयोग में ले रहे हैं। इस क्षेत्र में सिवरेज और पेयजल पाइपलाइन टूटकर आपस में मिक्स हो गई है और घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। जलदाय विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन से इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल सोजती गेट स्थित नगर निगम उक्त कार्यालय के सामने वाली गली में कविराज का बाड़ा मोहल्ले में पिछले करीब 6 महीनों से सड़कें टूटी हुई हैं। यहां सिवरेज और पानी दोनों की लाइन है और क्षतिग्रस्त होने से दोनों पाइपलाइनों का पानी मिक्स हो गया है। इससे घरों में सप्लाई हो रहा पीने का पानी पूरी तरह से गंदा आ रहा है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत क्षेत्रीय पार्षद, विधायक, नगर निगम, जलदाय विभाग और जिला प्रशासन तक कर दी है, लेकिन यहां पर किसी तरह का सुधार नहीं हुआ है। लोगों की हालत ये है कि वे पीने का पानी बाहर अन्य स्थान से लेकर आते हैं। क्षतिग्रस्त सिवरेज लाइन के कारण सड़कों पर भी हमेशा गंदा पानी बहता रहता है। कई स्थानों पर सिवरेज होल खुले पड़े हैं, जिससे कई बार लोग नीचे गिरकर घायल हो चुके हैं। यहाँ रहने वाले क्षेत्रवासियों का तो यहाँ तक कहना है कि इस गंदे पानी के पीने से तो अच्छा कोरोना से मर जाना बेहतर है। क्षेत्रवासियों ने आज इस समस्या को लेकर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर आमरण अनशन किया जाएगा। ना गंदगी साफ होती है और पानी भी आता है इतना गंदा खाते की तरह। पुलिस वालों को भी हमने शिकायत कर दी है, हमारे पार्षद को भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। क्या करें, ऐसा होगा तो हम सब हमला करेंगे फिर आकर नगर निगम में, और नहीं तो हमारी कार्रवाई करी। कितने टाइम हो गया यहाँ पे? 6 महीने हो गया हमारे, 6 महीने से झाड़ू तक नहीं निकली है। और लोगों से पानी के लिए जाना पड़ता है, इतना भटकना पड़ता है, दो को जो पानी आता है, पानी हमारे को हो जाए नहीं, किसी के कैसे पानी भरे हम जाए कहाँ बताओ। तो फोन किया कोई दोस्तों का, 2 बजे दूंगा, 2 बजे से दूंगा, हम कहाँ से लाए पानी, पानी आता है और राज्य के बारे में 6 महीने से जो है सड़कें देगी है, गटर में जो है गटर लाइन फूटे हुए हैं, गंदा पानी हर घंटा आता है और सब बाहर डोलते हैं, इससे तो सारा कोरोना में मर जाना अच्छा है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।